नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष लुनिया और आप देख रहे हैं ऑल टैलेंट सिविल। दोस्तों, आज ही की बात मैं आपको बताता हूं, जो कि मेरे दोस्त कंस्ट्रक्शन साइट पर थे तो मैं वहां गया था घूमने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो मेरे दोस्त जो खुद ही ठेकेदार हैं, जो खुद ही ठेका ले कर कंस्ट्रक्शन साइट बिल्डिंग बनाते हैं, तो उन्हीं के पास गया हुआ था साइट पर। तो वहाँ पर काम चल रहा था जो कि वाटर टैंक कंप्लीट हो चुका था, बस प्लास्टर और पॉलिश का काम बचा हुआ था। तो वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी समस्या कुछ देखी, मैंने वहाँ पर जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी जो थी, वहाँ पर जो बाहर का जो सीपेज का पानी था वो टैंक के अंदर इकट्ठा हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे दोस्त से, कि भाई अब ये इसमें सीपेज का पानी आ रहा है तो इसे कैसे बंद करोगे। तो उन्होंने बताया कि भाई पानी तो बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कम रात भर में खूब से खूब एक आध लीटर पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि भाई उसमें प्लास्टर पॉलिश कर देंगे, जो कि पानी रुक जाएगा प्लास्टर पॉलिश करने के बाद में, तो पानी आएगा नहीं। तो मैंने उससे कहा, भाई पानी भले कितना भी आए, थोड़ा आए, चाहे रात भर में एक लीटर पानी इकट्ठा हो, चाहे आधा लीटर पानी इकट्ठा हो, सिपेज होता है वो प्लास्टर पॉलिश से, वहाँ गिट्टी का माल भी डाल दोगे, आरसीसी वर्क भी कर दोगे, तब भी वह सिपेज नहीं रुकेगा, वह पानी उतना ही आता रहेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई ऐसी गलतियाँ आप ना करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ऐसी गलती आप ना करें। जब तक बाहर का सिपेज का पानी पूरी तरीके से बंद ना हो, तब तक वहाँ प्लास्टर पॉलिश बिल्कुल ना करें। मैं वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट की वीडियो भी बनाया हूँ, सीधे वहाँ पर साइट पर चलते हैं, वहीं पर ही समझते हैं कि भाई क्या समस्या थी और कहाँ से पानी वो आ रहा था। तो चलिए सीधे कंस्ट्रक्शन साइट की वीडियो पर चलते हैं। अब यहाँ जिस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर टैंक का काम हो चुका है, यहाँ पर जुड़ाई वगैरह भी की जा चुकी है, यहाँ पर सब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सीपेज का पानी जो भरा हुआ है, यहाँ पे 3-4 दिनों का पानी, यहाँ पे सीपेज का पानी इतना आया हुआ है। तो दोस्तों, वाटर टैंक जो कि पानी के स्टॉक के लिए बनाया जाता है, यहाँ पे सीपेज आना मतलब बहुत बड़ी समस्या है। ये रिपेयर दोबारा बहुत मुश्किलों से होता है, बहुत समस्या की जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीपेज कहाँ से आ रहा है, इसको बंद कैसे किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जहाँ से ये सीपेज का पानी आ रहा था टैंक में, वो थी कहीं और का पानी नहीं था, जो कि टैंक के जस्ट साइड में थी कच्ची नाली, जो कि उसमें से पानी आ रहा था, धीरे धीरे सीपेज टैंक में आ रहा था। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे नाली को पक्की की जा रही है ताकि सीपेज का पानी टैंक में ना आए और हमारा टैंक सक्सेस हो जाए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, ऐसी गलतियां आप ना करें। अगर ऐसे ही वाटर टैंक हो या सेफ्टी टैंक हो, अगर बाहर का पानी अंदर आ रहा है, सीपेज मार रहा है, चाहे वो कितना भी सीपेज मार रहा हो, थोड़ा थोड़ा ही मार रहा है, तब तक आप प्लास्टर पॉलिश ना करें, नहीं तो आपका टाइम और मटेरियल और पैसा बेकार जाएगा। पहले सीपेज का जितना भी पानी है उसको ख़त्म करें, बिल्कुल सीपेज ना आने दें। टैंक को तब तक साफ करें जब तक आपका टैंक में पानी आना बंद ना हो जाए। पहले यही देखिए कि पानी कहाँ से आ रहा है, वहाँ से पानी बंद कीजिए, फिर उसके बाद में टैंक को जब तक पानी निकालिए जब तक वहाँ सीपेज आना बिल्कुल बंद ना हो जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं टैंक में से पानी आ रहा है, तो वहाँ पानी खाली करवा रहे हैं ताकि कितना सीपेज आ रहा है, जब तक सीपेज आएगा तब तक उसका पानी निकाला जाएगा। जब वहाँ सीपेज आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, तब वहाँ पे आप प्लास्टर पॉलिश कीजिए, उसके बाद आपका टैंक बिल्कुल 100% सक्सेस रहेगा और किसी प्रकार की सीपेज नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरी यह छोटी सी सलाह आपको कैसी लगी, आपके कितने काम आई, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ।
और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उसे देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।